को लग रहा है, उससे उनका बजट तो बिगड़ ही रहा है, साथ ही दैनिक दिनचर्या के जो काम है, जो चीजें हैं, वो भी महंगी होती जा रही है, तो साथ ही त्योहारी सीजन भी फीका नजर आ रहा है। तो वहीं अब रुख कर लेते हैं सहयोगी अशोक का। तो अशोक देखिए, त्योहारी सीजन है, ऐसे में महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ऐसी भी आशंका है कि इस बार दीपावली का त्योहार थोड़ा फीका नजर आएगा। निश्चित रूप से आयुषी, जिस प्रकार से कोरोना के 2 साल गुजरे हैं, दोनों साल लगातार दीपावली लोग पूरी तरीके से नहीं मना पाए थे, लोगों को इस बार उम्मीद है कि अच्छी दीपावली मनाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़े हैं, रसोई गैस जो है वो बढ़ी है, उसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं इस बार की दीपावली है वो लोगों की फीकी नज़र आ रही है। अगर सीमावर्ती बाड़मेर जिले की बात करें तो यहाँ पर जो पेट्रोल के भाव हैं वो 118 के पार चले गए हैं, और डीजल की बात करें तो वो 109 रुपये पहुँच चुके हैं। और अगर कॉमर्शियल गैस की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है, दिनों ऐसा एक भी दिन पिछले कुछ दिनों से नहीं है जिसमें पेट्रोल और डीजल के जो भाव हैं वो लगातार बढ़े रहे। कुछ लोग आप देखिए यहाँ पर है, इनसे जानते क्या नाम है आपका भाई? जगदीश माली। लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, कितनी परेशानी आपको आ रही है, और इस बार दीपावली को लेकर बजट पर कुछ फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है यानी मजदूर आदमियों की हालत खराब हो रही है सर, बहुत हालत खराब हो रही है। क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे सर? ये रेटो घटाओ, आप रेटो घटाओ, भार बढ़ रहा है। और भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम धीरज है। धीरे जी, जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के भाव और लगातार गैस के जो भाव वो भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आम जन को कितनी परेशानी, और दीपावली का त्यौहार ऊपर है तो कितना बजट जो प्रभावित आप लोगों का हुआ है? देखिए, जहां तक कोरोना की बात है, 2 साल बाद ही मार्केट खुला है पहली बार, और जब मार्केट खुला है तो लोगों की कुछ आय शुरू हुई है, लेकिन लोगों ने जो पहले से सपने संजो के रखे थे दिवाली को लेकर, तो मुझे लगता है कि लोगों का बजट बुरी तरीके से प्रभावित हो रखा है। जो पेट्रोल के भाव आपने बताया, 118 रुपये जो पेट्रोल है यहाँ पर, तो लोगों की जो उम्मीदें थी मोदी जी से, चाहे वो यहाँ पे जननायक जो अशोक जी गहलोत हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो उन दोनों से यही उम्मीद थी कि ये लोग मास के नेता हैं, और जनमानस के जो साधारण लोग हैं उनसे बहुत अपीलें थी। लेकिन शायद मुझे लगता है कि सरकार दोनों तरफ से फेल हो चुकी है। केंद्र सरकार जो है, जब पेट्रोल के क्रूड के भाव जब बहुत ही कम होते हैं तो लोगों को रेट कम नहीं करती है, लोगों को फायदा नहीं देती है, वो लोगों से ये कहती है कि हम आपके लिए अच्छी योजनाएं लेके आएंगे, हम आपके लिए मेट्रो सिटीज लेके आएंगे, हम आपके लिए स्मार्ट सिटीज लेके आएंगे, लेकिन वो शायद कहीं धरातल पे दिख नहीं रहा है। दीपावली खरीदारी आप लोगों की होगी, बच्चों के लिए कपड़े हो, मिठाइयाँ हो, पटाखे हो, तो ये प्रकार जिस प्रकार से लगातार भाव बढ़ रहे हैं, एक प्रकार से महंगाई और ऊपर से पर्व, तो कितना प्रभावित आप लोग हैं? बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रखे हैं, क्योंकि अभी ये देखते हैं कि 6 महीने का लंबा लॉकडाउन चला, मार्केट पहली बार खुला है, लोगों को जो सामान्य जो चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में जो जरूरत होती है वो भी शायद पूरी नहीं हो पा रही है। फटाके तो मुझे लगता है कि एक साधारण इंसान के लिए तो सपना बन के रह गया होगा, क्योंकि जब पेट्रोल के भाव इतने ज़्यादा हो रखे हैं, डीजल के भाव इतने ज़्यादा रखे, तो हर रेट महंगी हो रखी है, माल बड़ा बढ़ चुका है, महंगाई की जो दर है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो भी बहुत काफ़ी बढ़ रहा है। निश्चित रूप से देखिए, लोग परेशान हैं। एक और भाई साहब, पेट्रोल भरवाने हैं, जब क्या रोजाना, पहले जब भाव कम थे तब पेट्रोल कितना आपकी बाइक में रोजाना भरवाते थे, और अब क्या किया? पहले 100 रुपये का पेट्रोल भरा 3 दिन चलता था, अब 120 का पेट्रोल भरा तो 1 दिन चलता है। कितनी परेशानी, दीपावली का त्यौहार भी है, लोगों के लिए कितनी बहुत परेशानी है। जिस हिसाब से मोदी सरकार कह दी महंगाई कम करेंगे, उल्टा बढ़ गई। बिल्कुल अशोक, जिस तरीके से तस्वीरें आपने दिखाई और आमजन के रिएक्शन बताए, तो साफ तौर पर आमजन बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दामों से और गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों से त्रस्त है।